बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिली के साथ हंसता बसता रखे, हमारी दुआ होती है आप सब बहन भाइयों के लिए। देश परदेश से जो मेरे प्यारे बहन भैया हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आज का प्यारा सा व्लॉग शुरू करें, अल्लाह ताला का प्यारा सा नाम लेकर। वीडियो के साथ बने रहें। जो भी न्यू बहन भाई चैनल पर आते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करके मोहम्मद सिंह को सपोर्ट करें। अल्लाह पाक आप सबकी मदद फरमाएंगे, आमीन रब्बल आलमीन। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं माशाल्लाह से। अरे बहन भाइयों, दो तीन दिन से हमने वीडियो नहीं डाली थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बचेश आपने वीडियो क्यों नहीं डाली, क्या वजह हो सकती है। तो जी अब आपको थोड़ी देर तक बताते हैं कि क्या वजह बनी थी, हमारा व्लॉग क्यों नहीं आप लोगों तक पहुंच रहा था, वजह बताती हूँ। और दूसरा, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इतना प्यारा मौसम है, यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है। हम तो इंतज़ार करें कि बारिश हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना हो कि परेशानी का बाइस बने, इतना हो कि बच्चे खुश हो जाएं और थोड़ी देर नहा लें। और ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो हमारी मर्ज़ी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। सुनने में आ रहा है कि दुबई में इतना बारिश हुई है, इतना बल्कि हमने देखा भी हो रही है तूफान, तो अल्लाह माफ़ करे, इतना ज़्यादा वहाँ लोग परेशान हैं। यकीन करें बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुई हूँ देखकर। अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमतें नाजिल करे और आसानियाँ पैदा फरमाए, किसी के लिए भी परेशानी ना बने बारिश ना, तो अल्लाह पाक रहम करे। मैं बहुत डर गई हूँ वो बारिश देख कर। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। और ये जी हमारा जो घास है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल चुका है और मर गया है, नहीं हो रहा ना। और कुछ कुछ जो है ये देखिए, ये देखें कुछ कुछ जो है वो घास हो रहा है माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें। और मुझे लग रहा है जहाँ तक कि हमें ना दोबारा नर्सरी से घास लाना पड़ेगा और दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, अहमद खान के साथ मिलकर मुझे दोबारा घास लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो नरम और ठंडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें भी आएंगी, क्योंकि हर जगह बारिशें हो रही हैं, बताया गया कि बारिशें ज़रूर होंगी। अभी तक हमारे रहीम साल में तो एक भी बारिश नहीं हुई, तो जब बारिश हुई तो ये घास फिर अच्छा हो जाएगा माशाल्लाह। और ये आज मेरे बर्तन पड़े हुए, इतना सुस्ती कर रही हूँ मैं, आज मुझसे बर्तन ही धुले जा रहे, ना फातिमा धो रही है ना मैं धो रही हूँ। सुबह से जी हमारे बर्तन पड़े हैं, अब बर्तन भी धोते हैं चलकर। और मोहम्मद को देखिए, मोहम्मद को फातिमा ने कहा मोहम्मद से ही आपको फिंगर चिप्स बना के दूँ, तो अंदर कमरे से आलू उठा के बाहर ले आया। देख लो फातिमा, आलू उठा के बाहर ले आया, कहता है ऐसे तो मुझे लारा लगा के रखेंगे, फिंगर चिप्स मुझे मिलेगी नहीं, इससे बेहतर है मैं खुद आलू लेके बाहर पहुंच जाऊं। अब हमें बुला भी रहा है मम्मा, मम्मा फिर के मम्मा को क्या बना के। यारे बहन भाई, वो लगता है गिलास से मट्टी आ गई है, क्योंकि मोहम्मद से यहाँ के ना इस टूटी को बड़ा छेड़ता है, तो ये खोल लेता है। अब ना पूरा गिलास पानी का जो है हमारा ज़ाया हो गया, पानी हमें बड़ा मुश्किल से मिलता है पीने वाला, तो मुझे अफसोस लग रहा है हमारा एक गिलास पानी का ज़ाया हो गया है, क्योंकि यहाँ से जो पानी मोहम्मद अहमद लेने जाता है ना, मोहम्मद अहमद, तो वो बहुत दूर से मिलता है हमें पीने का पानी। मेरा बेटा बड़ा परेशान होकर पानी लाता है। और दूसरा जो घर का पानी है वो तो माशाल्लाह आपको पता है हल्का लगा हुआ है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन बहुत नमकीन पानी है ना, इस वजह से जो है ना परेशानी बन जाती है। और ये देखें ये आलू पड़े हुए हैं हमारे। फातिमा भैया को फिंगर चिप्स नहीं बना के देनी जी, बना के देनी है मम्मा। थोड़ी उठाओ ना आप, आलू काटो। बिल्कुल मैं बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी भी नहीं आई दो चार दिनों से मेरे घर में, ना ही मैं गई हूँ अम्मी की तरफ। और दूसरा ये देखें प्यारे बहन भैया, मक्खियाँ इतना ज़्यादा हो गई हैं, जबकि हमारे घर में इतना वो खाने पीने का गंद भी नहीं पड़ा होता, बच्चे एहतियात करते हैं, नहीं फेंकते नीचे कोई चीज़, उसके बावजूद भी इतना मक्खियाँ हो जाती हैं। मेरे घर में शहर में भी ऐसे ही होंगी। छुरी यहाँ देखो ना, उसके अंदर बर्तनों में देखो, बाहर वाले बर्तनों में देखो, मोहम्मद सही इधर। फातिमा आपका भाई पानी में आ रहा है बेटा। बर्तन में धो रही हूँ, क्योंकि बर्तन धोएंगे तो फिर काम जो है हमारा जल्दी जल्दी फाइनल होगा, क्योंकि ये बर्तन धुल जाएं तो बाकी सारे काम आसान। क्या क्यों अहमद हैना का कहना मानो बेटा, आ गया।
प्यारे बहन भाइयों, आज मोहम्मद को हल्का हल्का फिर बुखार हो गया है। तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था, पत्नी क्यों इसे बुखार हो गया समझ नहीं आ रही। हालांकि मैं मोहम्मद सिंह को बिल्कुल भी कोक नहीं पीने दे रही। ईद में हमारे घर जैसे कोक वगैरह आई हैं तो बच्चे को मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दिया। मैंने कहा अहमद सिंह, मोहम्मद सिंह आपने नहीं पीनी कोक तो मान गया कहना ना, इसने बिल्कुल नहीं पी। उसके बावजूद भी अब पत्नी क्या हो गया है, ये नोची भी कह रही है मेरे बेटे की। और देखिए प्यारे बहन भैया, सारी गंदम जो है वो कट चुकी है। किस तरह देखिए गट्ठे बना बना के रखे हुए हैं। अब ये वाला हिस्सा जो है रह गया और इस हाथ वाला रह गया, बाकी उस तरह वाला तो तकरीबन सारा कट चुका है ना। अब मेरे ख्याल में यहाँ पर कपास बीजेंगे, कपास लगाएंगे। और जब मैं आप पे मैं कमरा यानी कि बना रही थी उस वक्त कपास लग रहा था और कपास भी उतर गया, गंदुम लग गए, गंदुम भी उतर गई माशाल्लाह। और मेरा एक ही कमरा रह गया है, मैं अभी तक दूसरा कमरा नहीं बना सकी। मैं फुल कोशिश कर रही कि दूसरा कमरा मेरा बन जाए ना, तो वो अभी तक नहीं बना सकी। प्यारे बहन भाइयों, बच्चे जो हैं मेरे ख्याल में अंदर बहस कर रहे हैं कोई पत्नी क्या। अहमद खान अब डांस कर रहा है खड़ा होकर। अहमद फातिमा बेटा आलू छील रही हो ना जी? शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। भैया को किन्नर चिप्स बना के दो। आपका भैया पता भूखा है, उसने सीरीलैक भी नहीं खाया, उसका नहीं है सीरीलैक। जल्दी करो मेरा बेटा, जल्दी करो। मैंने जो कहा है ना दोस्तों कि भैया आपका भूखा, तो मुझे होर से देखने लग गया कि हाँ भाई मेरी मम्मा को एहसास हो रहा है मेरा। बहन भाई यकीन करें, सुबह से अभी आके धूप निकली है और वो भी मुझे ऐसे लग रहा है फौरन धूप चली जाएगी। जिस तरह से बादल बने हुए ना, काले घने बादल बने हुए हैं, तो धूप जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली। असल में सुबह से धूप नहीं निकली, बहुत प्यारा मौसम है, हमने बड़ा आज इंजॉय किया मौसम को ना जी। आज हम बना रहे हैं मोहम्मद सिंह के लिए फिंगर चिप्स, क्योंकि मोहम्मद सिंह ने आज कुछ भी नहीं खाया। मोहम्मद सिंह का जो है सीरीलैक नहीं है आज हमारे पास, नहीं तो हम मोहम्मद सिंह को खिलाते हैं, वो शौक से खाता है। आज नहीं है सीरीलैक, ख़त्म हो गया है मोहम्मद सिंह का। तो अब जी मोहम्मद सिंह आलू खाएगा इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो जो मैंने नहीं बनाई उसकी ये वजह थी कि हमारा मोबाइल ख़राब हो गया था। प्यारे बहन भाइयों यकीन करें, मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी ना कि वीडियो नहीं बन पा रही थी और मोबाइल जो है आने में बहुत लेट हो गया, तो इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। आप लोगों को पता होगा कि बाजी वीडियो नहीं डाली, कुछ मैसेज भी आए हुए थे। मैंने जब देखा है मोबाइल आया है ना, मैंने मोबाइल चला के देखा तो मैसेज आए हुए थे कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, ये वजह थी मेरी वीडियो ना आने की। देखें दोबारा बादल बन गए, अब तो मौसम ऐसे ही रहेगा सुनने में आ रहा है। चलो मोहम्मद सिंह आपकी चिप्स बनाए, चलो कट गए आलू। नहीं 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 छिलके नहीं खाओ, बहुत भूख लगी है मेरी गुड्डे को। प्यारे बहन भाई आज मैं तंदूर भी जलाने लगी हूँ, क्योंकि हमारा तंदूर जो है अगर बारिश आ गई तो ये गल जाएगा, क्योंकि कच्चा है हमारा तंदूर। अब हम इसमें रोटियाँ भी लगाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी, इसमें मैंने कोयले वगैरह जो हैं वो डाले हैं, ये देखें आपको करीब से दिखाते हैं। अब इसके अंदर जो है ना हम लकड़ियाँ वगैरह जो है वो डालते हैं। यहाँ से जली हुई लकड़ियाँ मुझे खा के एक मेरी प्यारी बहन है मरियम, लाहौर से हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे, सलामत रखे, अपनी फैमिली के साथ वो हमेशा खुशहाल रहे, हंसती हंसती रहें जी। हमारी दुआ होती है अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं जी, बहुत अच्छा लगता है। यकीन करें, अहमद बोरी पकड़ाना इस
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अब हम तंदूर जला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक कामयाब करे। शापर भी उठा के देना मुझे। दो जी, तंदूर पे आग लगा ली है मैंने माशाल्लाह। फातिमा भी कामों में लगी हुई है और अब जो है फिंगर चिप्स बनाते हैं। नहीं, साबुन को नहीं उठाओ अहमद। ये देखो भैया, बर्तन वाला साबुन उठा रहा है, मुंह में न डाल ले। क्या करो फिर क्यों हाथ लगाते हो? फिर कहते हो जल्दी से हाथ भी धुलाओ। जी जी जी, पानी पीना है मोहम्मद ने। अहमद पानी वाली बोतल खाओ मोहम्मद। माशाल्लाह कितनी जबरदस्त आग जल गई है तंदूर में, और मैं इंतजार कर रही हूँ कि हमारा तंदूर जबरदस्त आग गर्म हो जाए और मैं रोटियां लगाऊं इसमें। पहले तो जी हम बना रहे हैं मोहम्मद सईद के लिए फिंगर चिप्स। ये ना तो आपको फिल्म है फातिमा, चिप्स में नमक डालना है, ऐसे फीकी रह जाएंगे। आप मुझे नमक पकड़ा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुकून आ गया, पानी पी के धूप भी निकल आई। कितना प्यारा मौसम हो रहा था अहमद। अहमद लकड़ियाँ ना फिर दोबारा अंदर डालो, उसके बाहर गिर रही हैं लकड़ियाँ। अंदर डाल दो, शाबाश। बाहर कैसे? अच्छे से डाल दो, अच्छे से। ये वाली कैसे डालूं मैं? बस उसे हाथ नहीं लगाना, हाथ जल जाएगा। छोड़ दो, बस हो गया, आप साइड में हो जाओ। प्यारे बहन भाई, वो मोहम्मद सिंह के चिप्स बन गए हैं माशाल्लाह। मोहम्मद सिंह को खिलाते हैं चिप्स, अभी तो वैसे गर्म है। सही है आपको केचप? नहीं, मोहम्मद केचप के बगैर ही खाता है। ये बेड पर इतना मट्टी अहमद खान ने फेंकी है ना जी, बहुत बदतमीज हो गया ये लड़का। जितना रोकूं ना इसको। माशाल्लाह जी, प्यारे बहन भाइयों देखें हमारा तंदूर किस तरह से रेड हो गया है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत जल गया है। और ये देखें जी, माशाल्लाह बिल्कुल पक्का हो गया है तंदूर हमारा। अब जो है रात को हम इसको ढककर सोया करेंगे, ताकि ना इसमें बारिश का पानी भी ना चला जाए। रात को किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है। तो बिस्मिल्लाह, अब जो है इस पर रोटियां भी लगाया करेंगे। और बुरी खबर थी, हमारे घी के अंदर मक्खी चली गई है। अब इस घी में मैं कोई सालन वगैरह नहीं बना सकती, मुझे सख्त नफरत है मक्खी से। अगर खाने में, चाय में, किसी भी चीज़ में चली जाए तो फिर मैं वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। प्यारे बहन भाइयों ये देखें, हमारा इतना सारा घी ज़ाया हो गया है। अब जो हम इसको फेंक देते हैं। ये बर्तन धो के अंदर रख लेते हैं। ये आपने आलू वाली चिप्स क्यों नहीं खाई? क्यों बचा दिया? मैं खा रहा था, खा। इतना सारा केचप भी जाया कर दिया। नहीं, मैं नहीं खाती बस को। अच्छा दिखाओ। मेरी भी नियत खराब हो गई देख कर, क्योंकि मैंने नहीं खाई थी। प्यारे बहन भैया, आपसे इजाजत चाहते हैं जी। बहुत ज़्यादा खुश रहें, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। जो भी न्यू बहन भाई चैनल पर आता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट किया करें। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद सिंह अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़।
वो देखो कबे कैसे आवाज लगा रहे हैं, वो देखो कबे ऊपर बैठे हैं दरख्त पर, इतना बड़ा घोंसला भी बनाया।